Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss reduced syllabus and mark distribution for ISC class 11 physics for the year 2023-24. In physics, you will have two papers. One is of 70 mark, which is your theory paper. Another 15 marks for your practical work, 10 marks for your project work, and 5 marks for your practical file. No overall choice. All questions are compulsory. Internal choice will be available in 2 questions of 2 mark each, 2 questions of 3 mark each. And now coming to the weightage of chapters, or you can say units. First unit is physical world and measurement, second is kinematics, and C is laws of motion. All these 3 units carry 23 marks as a whole unit. Next is fourth unit is work, energy and power. Next is motion of system of particles and rigid body. Next is gravitation. These 3 units total carry 17 marks. Properties of bulk matter, heat and thermodynamics, behavior of perfect gases and kinetic theory of gases. These 3 units together carry 20 marks. Next is oscillations and waves. This single unit carry 10 marks. This is the marks distribution for your 70 marks theory paper. Now coming to the reduced topics. Unit wise. So first unit is physical world and measurement. In this unit, physical world total unit is deleted. So physical world topic hi delete kiya gaya hai. Scope of physics and its application in everyday life, nature of physical laws, physics and its branches, ye sara topic aapka reduce kiya gaya hai. Second unit pura intact hai aapka, units and measurement ye pura topic intact hai. Iska A topic pura ka pura as it is hai. B में यू कैन सी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ये पूरा टॉपिक B एज इट इज डिलीट किया गया है. एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर्स, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट निकालना, इंप्लीकेशन ऑन एरर्स एंड इट्स मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सारा टॉपिक एज इट इज आपका डिलीट किया गया है जो बी पार्ट आपका सिलेबस में दिया गया. सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इट इज है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये पूरा बाकी का पूरा टॉपिक एज इट इज रहेगा. सेकेंड यूनिट इज काइनेमेटिक्स, इसमें आपके पास मेजर कोई भी चेंज नहीं है जिसको हम पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक कटा है. अदर देन सिर्फ एक आपका डी टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे. कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन डायमेंशनल मोशन एंड देन टू डायमेंशनल मोशन. कंसिडर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, यूज ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ. ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा इसमें से काटा गया है, डिलीट किया गया है. थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं. इसमें सिर्फ कॉनिकल पेंडुलम इज एक्सक्लूडेड, जो कि पहले भी एक्सक्लूडेड ही था. जो ब्रैकेट में दिया जाता है वो हाईलाइट इसीलिए किया जाता है कि इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड है. फोर्थ यूनिट आता है हमारे पास वर्क एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी. वर्क पावर एंड एनर्जी में आपके पास कोई चेंज नहीं है ऐसा जिसको हम बोलेंगे कि रिड्यूस किया गया है. तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें भी हमारे पास कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है. सिक्स इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में भी कोई चेंज नहीं है. सेवन्थ में प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में भी कोई चेंज नहीं है. इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे आगे, स्टोक्स लॉ आपको दिखाई दे रहा है, सरफेस टेंशन आपको दिखाई दे रहा है. एट्थ यूनिट पे आते ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आपको दिखाई दे जाएंगे. थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास लीज डिस्क मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड, ये तो खैर पहले भी नहीं था जो ब्रैकेट में है. एक ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका अभी के लिए काटा गया है, जैसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस लॉ, ये सब हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका रिड्यूस किया गया है. टेम्परेचर वाले टॉपिक में ली डिस्क मेथड, ये पहले भी रिक्वायर्ड नहीं था जो ब्रैकेट में, ये पहले भी रिक्वायर्ड नहीं है. लास्ट आपका डिडक्शन फ्रॉम स्टीफेंस लॉ नॉट नेसेसरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये टॉपिक आपका डिलीट है. तो सिर्फ इतना सा टॉपिक इसमें से डिलीट किया गया, थर्मोडायनेमिक्स एज इट इज है. रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स हमारा एक लास्ट टॉपिक जो एट्थ यूनिट में से आपको एक और रिड्यूस दिखाई दे जाएगा, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स. नाइन्थ है बिहेवियर और परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, तो इसमें भी हमारे पास कोई ज्यादा टॉपिक डिलीटेड नहीं है. जो ब्रैकेट में दिया गया जैसे डेरिवेशन ऑफ पीवी कॉन्स्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी डिलीटेड टॉपिक है. मैंने सिर्फ हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हाईलाइट किया, वो पहले से भी डिलीटेड ही था. नाइन्थ यूनिट की बात हम कर चुके हैं. अगर अब हमारे पास टेंथ आ रहा है ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसमें फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑनली, ये सब टॉपिक डिलीट किया गया है अलॉन्ग विद रेजोनेंस. इसकी अगर हम डिटेल देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है बी पार्ट में.
बी पार्ट पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट किया गया जिसमें फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, रेजोनेंस है, क्योंकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी 10th में रीड कर चुके हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन सारी एग्जाम्पल्स है, ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम फॉर अनडैम्प्ड के लिए कैसा होगा, डैम्प्ड के लिए कैसा होगा, ये टॉपिक डिलीट किया गया है. डैम्पिंग फोर्सेज इन एडिशन टू रिस्टोरिंग फोर्स, ये पूरा टॉपिक है. एग्जाम्पल फ्रॉम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, ये पूरा टॉपिक डिलीट किया गया है. तो यहाँ पर ये आपको एक मेजर चेंज दिखाई दे जाएगा. इसके बाद अगर हम बाकी बात करेंगे तो और कोई भी चैप्टर के टॉपिक हमारे पास रिलेटेड में नहीं आते हैं. बाकी आपको पता ही है प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको 10 मार्क्स मिलने हैं, तो आपने वो भी अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.